मियाँ ताज महमद की जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद अज अस इतने अपेयर थी प्रदीप कुमार के मेटर में जो सोशल मीडिया से गलत नमूने से घो वायरल करासर जो इनके इंतहा पसंद दिन पे वे जो बिल्कुल ही गलत नामाकुल गाल काबिल कबूल ना है। तुम जो कंटेंट से एफ आई आर ऐसा हो तो उन्हीं अड़ो को भी एलिगेशन को कें प्राइवेट मानू का बयान को अज निहायत ही अफसोसनाक बात जो सेशन कोर्ट प्रिमिसेस मीतू पास में थो जैसे सिवाय अफसोस कर उन्हीं बार की जैसे वही तारीफ रही है जै सिंध लेवल पर पाकिस्तान लेवल जहाँ असीम मानू पैदा कया स्पेशली आ नालो खंड मामा मोहम्मद यूसुफ लगारी साहब जो जो किरदार आको सिक्यूलर लीडर असो जैसे पूरे पाकिस्तान में सेक्युलर मानू लिबरल मानू एक पॉजिटिव नज़र से ऐसन था उन जिक्र कर सलादीन पवर साहब जो साई अल्लाह दिनो मेमूर साहब जो केत अजीम शख्सियतों ने बार पैदा क्यों अज के मामूली इशू से कुछ दोस्त जिन पर सिर्फ अफसोस कर सकते तो उन्होंने जहनीत से हमदर्दी कर सकते थी तो बिलावजह के प्राइवेट मानू सद कर 300-400 मानू के कोर्ट में गड कया वा एक मासूम बेगुनाह मानू के इलीगली मारण ला असो चवण असो मौको क्लियर आ किथे का भी ना इंसाफी थी असि कोशिश यह होंगी असि बार में एक्टिव किरदार अदा करें तक याद हों खिपरे में एक हिंदू मासूम न्याणी पंजन साल जेमल रेप जो अटैम्प्ट वो तो अस वाहिद हैदराबाद बार हुई पूरी सिंध में जै एक्शन वरतो उन खानदान से जो ताजद कई उनका इंश्योरेंस दियारी तो पाकिस्तान के टॉप लेवल सुप्रीम कोर्ट ताई अस हैदराबाद बार की एक कमेटी ठहंदी जी मासूम न्याणी के वारसन से केस प्रोसीड कंदी अस चूं था तो हर मानू के एक राइट ऑफ फेयर डिफेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो मानू का पाँ हक न खसो मुआशरे के पॉजिटिव नमूने से लाओ अड़ी जगह न वी वो जो अस मुआशरे के कड़ो पाँ इंप्रेशन दई रहा हूँ तो तुम हालात के कदा वी वही रहा हो तुम जो तो तुम कहीं एफ आई आर दिखाया तो तुम भले सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुम भले वायरल कर एफ आई आर में अड़ो को लफ्ज़ ही ना है जै केस जो उनको प्राइवेट कवाई है मेयर अली पुलिस हिसाब से गलत केस ठोके छे तो उन्हीं के तुम मजहब जो रंग दींदा इन में तो मजहब की क्या गाल ही कोई ना कड़ी दीन इस्लाम की गाल कड़ी जात की गाल नाजेबा हरकत जो को प्रूफ ना है जो भी वायरल में ऐसा हो सोशल मीडिया से ऐसा हो तो मफल्ड फेस आ जैसे को मूँ आइडेंटिफाई ना तो कर सके तो उन्हीं मिनॉरिटी जो कें मू के बेजा तंग कर उनके मारने की कोशिश कर स्पेशली विद इन प्रिमिसेस ऑफ कोर्ट 300-400 मानू गड कर ही दहशतगर्दी के जिम्मे में अचे तो रिक्वेस्ट कदस जनाब अस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के तो उनमें सोमोटो वन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन या सेशन के हिसाब में खास के असेंगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिनी वाले छो तो हि दहशतगर्दी के जिम्मे में अचे तो कोर्ट एक पब्लिक प्लेस से 300-400 मानू आया वह तो एक मानू के मारियो वे जी सेशन जज साहब जो हिदायतों न होजन पुलिस इंटरफेयर न करें तो अज प्रदीप कुमार जो बिला वजह मारियो वे बाबा मारियो कड़ी वजह से वो को डो तो बुधायो उनते को जुर्म साबित कयो उनके राइट ऑफ डिफेंस दियो कुछ भी न बस असि मारींदा छो मारींदा हो इंतहा पसंदी आई थी हू थो एक हथ वी मुआशरे के इंतहा पसंदी दे एक्सट्रीमिज्म दे वरतो पे वे जैसे असि पुरजोर लफ्जन में तरजी क्यों था अस उम्मीद रखासी असे मीरपुर खास बार के दोस्त का मीरपुर खास जो सर्किल जो पढ़े लिखल है तो इन्हीं इशू के नेगेटिव न वरतो वे जो ये गलत यूज कर इशू जो ये बिल्कुल गलत आ मानू के राइट आ कॉन्स्टिट्यूशन राइट हर मानू जहा हिंदू हो मिनॉरिटीज हो केर मानू हो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हर मानू के पाँ हक दे तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्बिट में रहंदे कहंदे उनका जो राइट है उनके सेल्फ डिफेंस राइट दिनों वे सब सेक्शंस अवेलेबल हैं अड़ो को वो इशू को न तो उनका एडो को हिंस ऑफेंस जी उन चार्ज आ सिंपल चार्ज आ उनको मौको दिनों वे डिफेंस जो जैसे सुबह उनसे साबित थे तो कोर्टू आन कोर्ट उनके सजा दी थो इतने बेल रद्द की वही हाँ तो बेल जैसा मेरिट से रद्द ना थी बेल जहाँ नॉन प्रोसिक्यूशन रद्द थी हुई कोर्ट की मजबूरी हुई सिचुएशन अड़ी थी वही तुम जी ये वायरल से वीडियो तो ऐसा हो तो 300-400 मानू एक
न तो मानू स्पेशली हिंदू कम्युनिटी जो मिनॉरिटी जो वाणियों मानू वो पा सा गुड हथियार खड़ी थोड़ी कोई उनके बगैर बुधन जो उनको मौको को बुधो उनके मौको पेश कर ना दियो उनके डायरेक्ट मारियो था बाबा एडो वो ऑफेंस एडी वही भाईजान अस न तो चई सका हिंसा छो तो जी मेल मत जड़ो तिरो सेशन जज साहब चेंबर में हुस तो इन कर स्पेसिफिकली न तो चई सकता कड़ो मानू वो जो भी होंद वो तुम्हारे मीडिया से या सोशल मीडिया से वीडियोस वो जाहिर थी वीं अस रिक्वेस्ट क्यों तो इन में जो अड़े अमल में वकील मुलवत हूँ भाईजन सिंध बार काउंसिल के पाकिस्तान बार काउंसिल के स्पेशली साईं मोहम्मद यूसुफ लगारी के अस रिक्वेस्ट कदी बार इन बार जो इंट्रोडक्शन साईं यूसुफ लगारी साहब हो इन बार जो इंट्रोडक्शन साईं अलदीनु महमूद साहब हो इन बार जो इंट्रोडक्शन साईं इस्माइल महमूद साहब हो इन बार जो इंट्रोडक्शन साईं रोची राम साहब हो केडा वा असी मू बार पेश क्या अज उते अस ना अफसोस से चवण तो पे तो उ मून जो हथ वी मुआशरे के तशद एक्सट्रीमिज्म वी वही रहा हालांकि एक्सट्रीमिज्म जो इशू ही ना है वंस अगेन अस रिक्वेस्ट कंदी अस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाईकोर्ट के अज जो हीड़ो काबिल मजम्मत गलत किस्म में वाको थो जैमें टे चार सौ मू कूड़ पेमिजमी एक मू के मारने की कोशिश कर रहा है कोर्ट रूम में ही यो प्रीमिसेस जी जगह है खिलाफ आ छा त समझो ता हिजे खिलाफ केड़ा केड़ा जे कलम लागू जनता छा यो वकीली कराइंदा या प्रदीप मुंजो चवण यो ता हिन में असा चीफ जस्टिस साहब के तू पहरे रुके रखवा ता ही त में सो मोटो वरतो वने अहि दहशतगर्दी जमीन में चतो दहशतगर्दी जमीन में चतो जो को एकरे मानो के इलीगल हरास करे महदूद करे उनके मारने की कोशिश की वई जेकर सेशन जज साहब हिन में पुलिस के डायरेक्शन न दिया पुलिस इंटरफेयर न कया उन्हें बचाने की कोशिश न करें तो मराद मरी चुको जो क्राउड आयो वो पांचे तैयारी के हिसाब से मानो के मारे चुको तो वंस अगेन आई जी सिंध के अस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के जो बालाख्तियार चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनके रिक्वेस्ट कंदी तो इन वाक्य की रिकॉर्डिंग घुराई वे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग घुराई वे इन वाक्य से कमेटी विहारी वे जे रिस्पॉन्सिबल मूँ उन खिलाफ एक्शन वरतो वे इन एफ आई आर रजिस्टर कर उनके मंतकी अंजाम से पुजाया वे मिनॉरिटी जो मिनॉरिटीज अस मुल्क में वो इन मुल्क जहाँ फर्द आन इन मुल्क जहाँ शहरी उनके बराबरी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिना वा तुम उन सिर्फ इन न कौ तो मिनॉरिटी से बिलोंग करे तो जुर्म जुर्म हों सैयद कर या कोली कर उन जुर्म की सजा उनके अचणी आ पर उन सजा ला तरीक़ेकार बस सजा जो कोर्टू दी कोर्ट में साबित कर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तुम्हें तुम पुलिस आ रेंजर्स आया इदारा उहरक में अचन उ इन्वेस्टिगेशन कन केस दाखिल कन केस पाँ साबित कन कोर्ट में कोर्टू सजा दी जैसे हर को मूँ पाँच कोर्ट थी पे रो तो मुआशरो तुम कैदा वो अदा बेल असा है जो है पाँच कोर्ट में रिक्वेस्ट कई जो वाक्य कोर्ट में थो कोर्ट के हर नॉलेज है तो कोर्ट बर मेहरबानी ऑब्जर्वेशन दिए इन ऑर्डर में तो कोर्ट प्रिज्म ही इंसिडेंट थो इन कर मूँ पेश न थो इन कर डिसमिस था क्यों पर कुछ कोर्ट जो मजबूरी होंदन तो इन कर कोर्ट ऑन रिकॉर्ड तो कोई आने सके मुझे आर्ग्यूमेंट्स के हवाले से कोर्ट ये मेंशन कंदी अस ऑर्डर वे पेश कस कोशिश यहाँ होंगी तो इन केस के जो हाईकोर्ट में डायरेक्ट बेल वरती वे गोग केस के मीरपुर कासिम में ट्रांसफर कर बे शहर मोक्यो।